सौरभ गांगुली और जय शाह समेत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के शीर्ष अधिकारी इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के लिए मौजूद रहेंगे। इस मैच में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। वहीं बीसीसीआई अधिकारी ईसीबी के निदेशक रॉब की के साथ चर्चा करेंगे। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट में जेम्स एंडरसन की स्विंग का जादू देखने को मिला। एंडरसन ने पहला विकेट विल यंग का लिया। इस विकेट को विकेट के पीछे फील्डर जॉनी बेयरस्टो ने लपका। एंडरसन की स्विंग इतनी घातक थी कि सौरभ गांगुली भी इसके मुरीद हो गए। गांगुली ने वीडियो शेयर करते हुए टेस्ट क्रिकेटर की तारीफ की है। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने कहा है कि क्रिकेटरों को अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने में गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि यह शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए पहला कदम होता है। धोनी ने यह बात तिरुवल्लूर जिला क्रिकेट संघ के रजत जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंची दिल्ली। 9 जून को होगी भारतीय टीम से भिड़ंत। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं। दिल्ली में खेला जाएगा पहला T20 मैच। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ऐसी जोड़ी का खुलासा किया है जो 6 ओवर में 100 से 120 रन बना सकते हैं। गावस्कर के मुताबिक ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की जोड़ी 6 ओवर में 100 से 120 रन बना सकती है। गुजरात टाइटंस के स्टार पेसर मोहम्मद शमी ने टीम वर्क को सराहा। कहा, गुजरात टाइटंस के हर मैच में एक नया चेहरा सामने आया है। शमी ने बताया कि उनकी टीम का हर खिलाड़ी मैच विनर बनकर सामने आया है। गुजरात के लिए पहले ही मैच में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से शमी ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका घरेलू सीरीज खेलेगा, जिसकी शुरुआत 7 जून को हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के लिए उड़ान भर ली है। टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज लसित मलिंगा इस सीरीज में टीम के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए जा सकते हैं। हाल ही में आईपीएल में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजी कोच का रोल निभाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। स्पिनर जैक ली चोट के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो गए। फील्डिंग के दौरान उनके सिर पर चोट लगी थी। मैट पार्किंसन को लीज के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में जगह दी है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच के शुरू होने से पहले ईसीबी ने दिल जीतने वाला बड़ा फैसला लिया। अब शेन वॉन के नाम से जाना जाएगा लॉर्ड्स कमेंट्री बॉक्स। बांग्लादेश ने शाकिब अल हसन को फिर चुना अपना टेस्ट कप्तान। लिट्टन दास को दी उप कप्तानी। इससे पहले शाकिब अल हसन को साल 2009 में मशरफे मुर्तजा के कप्तानी छोड़ने के बाद कप्तानी सौंपी गई थी। ये तीसरा मौका है जब शाकिब को बांग्लादेश की कप्तानी सौंपी गई है। देखो, पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। Play.